वेलकम टू अपने क्लास। तो पिछले क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 9 कंप्लीट किया था, तो अभी हम देखते हैं अपना लेसन नंबर 10 और उसका नाम क्या है, संयुक्त तथा आधे अक्षर। तो पहले हमने बिल्कुल फुल शब्द लिखने सीखे थे, तो आज से हम सीखेंगे कि आधे आधे शब्दों से हम कैसे एक बड़ा शब्द तैयार करते हैं। ओके, तो चलो सब लोग अपने हिंदी की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 निकालो। सबने पेज नंबर 13 निकाला। ओके, अभी अच्छे से ध्यान दो। देखो यहाँ पे आज से हमें क्या सीखना है, संयुक्त शब्द। अभी संयुक्त यानी क्या होता है कि मतलब दो शब्दों को मिला के हमें एक शब्द बना है। जैसे कि अपने पास यहाँ पे दो वर्ण, फॉर एग्जाम्पल हम पहला वाला देखते हैं यहाँ पे। ओके, सबका ध्यान है, सबको ब्लैक बोर्ड पे देखना है। तो देखो पहला वाला, पहले वाले पे लिखा है यहाँ पे क प्लस श। तो क प्लस श को मिला के अपने पास कौन सा शब्द बनता है, कौन सा वर्ण बनता है, देखो क प्लस श बोल के देखो आप, क श यानी कि कैसा उच्चारण निकलता है अपना, क्ष। कैसे निकलता है, क्ष। तो क प्लस श से मिला के बन गया क्ष। ओके, अभी सेकंड वाला देखो, यहाँ पे क्या है, आधा त प्लस र, तो इसको मिला के क्या होगा, त। क्या होता है, त। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, आधा ज प्लस ईय, तो ऐसे इसका उच्चार तो वैसे निकलता नहीं, लेकिन इन दोनों वर्णों से मिलके अपने पास कौन सा वर्ण बनता है, ज्ञ बनता है। ज्ञानेश्वर ज्ञ, पता है ना आपको। तो वो हो गए अपने 3 कंप्लीट। अभी फोर्थ वाला देखो, लास्ट वाला। तो यहाँ पे क्या है, श, स्कूल का शाड़ा श, पता है ना आपको। उसके बाद अव, तो यहाँ पे क्या बनता है, श, श्रमिक कामगार बोलते जिसको हम। ओके, बन गया ये। अभी देखो आगे, अभी क्या है, हमने क्या किया कि दो वर्णों को मिला के एक वर्ण बनाया, जैसे कि क्ष, त, ज्ञ, श। ओके, इतना आपको समझ में आया। तो ये कैसे लिखना है आपको पता है क्या, जैसे क एंड श आपको लिखना आता है, हमने 12वीं में पहले सीखा था। उसके बाद क्या है ये, अक्षर क्ष, पता है ना आपको। उसके बाद ये त, यानी कि ये थोड़ा सा लिखने में और बोलने में भी हार्ड है, लेकिन वो आपको अच्छे से आ जाएगा। कैसे आएगा आपको, ये 1 2 3 टाइप अच्छे से लिखना है, उसको पढ़ना है, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड में, देखिए और मिला मिला कर पढ़िए। जैसे कि हमने अपने पिछले लेसन में भी देखा था कि जब लेसन की स्टार्ट होती है तो अपना पहला वाला पॉइंट लेसन में क्या होता है, देखिए और मिला मिला के पढ़िए। तो इसीलिए हमें अभी अपनी टेक्स्ट बुक निकालनी है एंड टेक्स्ट बुक में देखना है वहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया है एंड उस पिक्चर में जो भी चीज है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना होता है। ओके, तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखो। देखो यहाँ पे पहला वाला पिक्चर किसका है, ये क्षत्रिय, किसका है ये, क्षत्रिय। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो क्ष प्लस ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा। उसके बाद त प्लस य, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो क्ष त्वी य, क्या लिखेंगे हम, क्षत्रिय लिखो सब लोग। ओके, हो गया क्षत्रिय कंप्लीट। अभी देखो सेकंड वाला, तो चलो अभी फिर से टेक्स्ट बुक देखो एंड देखो कि टेक्स्ट बुक में कौन सा पिक्चर है। ये देखो, ये एक यहाँ पे मैन है एंड ये क्या कर रहा है, काम। क्यों काम करता है वो, क्योंकि वो श्रमिक है, कामगार बोलते हैं जिसको हम। तो इसीलिए इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रमिक। एंड देखो यहाँ पे तोड़ तोड़ के जो शब्द लिखा है यहाँ पे, टूटे टूटे शब्द है ना, जैसे कि श है प्लस ई यानी कि ई की मात्रा है प्लस म एंड लास्ट में क्या है, क। तो इससे क्या बनेगा, श्रमिक। क्या बनता है इससे, श्रमिक। ओके, 2 हो गए कंप्लीट। अभी देखो थर्ड वाला, तो थर्ड में ये किसका पिक्चर दिया है आपको, आप जानते हो ये, इसको क्या बोलते हैं, यज्ञ या फिर हवन बोलते हैं ना, आपने पूजा देखी है, पूजा में होते हैं इसे यज्ञ हवन। तो देखो, तो इसको यानी कि ये यहाँ पे कैसे लिखा है, ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे कि यहाँ पे य प्लस ज्ञ, जैसे हमने अभी बनाया ज्ञ, बनाया ना अभी हमने ज्ञ, वैसे ही तो य प्लस ज्ञ मिला के क्या होगा यहाँ पे, यज्ञ।
यंत्र हो गया। अब देखो लास्ट में, तो लास्ट में क्या है ये देखो, इसको क्या बोलते हैं हम, त्रिशूल बोलते हैं। आपने देखा है, आपने टीवी में देखा होगा ना इसको। तो जैसे कि अभी हमने मतलब कल तक अपने यहाँ पे क्या थी, अपने गांव में दुर्गा थी है ना, तो उसके पास था ना ऐसा त्रिशूल देखा आपने, तो वैसा ही उसको क्या बोलते हैं त्रिशूल। एंड हमें कैसे लिखना होगा देखो, ई की मात्रा है प्लस त प्लस प्लस, इसको क्या बोलते हैं हुका हुका बोलते हैं ना, उसके बाद है प्लस ल, तो इनको मिला के क्या बन जाएगा त्रिशूल, क्या बनता है ये त्रिशूल। ओके हो गया कंप्लीट। तो इनको अभी अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि फर्स्ट वाला क प्लस